दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि इंटर ट्रेडिंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का सबसे बेस्ट और आसान तरीका क्या है। ऐसे और जब मैं आपको चार्ट में बताने वाला हूं कैसे मैं ड्रॉ करता हूं बहुत इजीली, जो 80% काम करता है। जो 80% मतलब आप 10 ट्रेड करेंगे तो 8 ट्रेड आपका प्रॉफिट होगा ही होगा, वो भी अच्छा खासा पॉइंट होगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये भी मैं बताऊंगा कि आप फेक रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन से कैसे बचे, फेक ब्रेकआउट से आप कैसे बचे, ये मैं आपको पहले बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको ड्रॉ करके मैं बताऊंगा बहुत इजीली से चार्ट में, क्योंकि आप पहले गलती नहीं करेंगे तो अपने आप सही सब होते चला जाएगा। तो आपको गलती क्या नहीं करना है, क्योंकि 95% लोगों को ऐसे लॉस होता है कि वो रेजिस्टेंस ड्रॉ तो करता है लेकिन वो गलत जगह एंट्री ले लेता है जिसके वजह से उनको लॉस हो जाता है, तो वो आपको नहीं करना है। चलिए शुरू करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक ड्रॉ करके मैं बताता हूँ, यहाँ पे मार्केट मान लीजिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन होने के बाद मान लीजिए मार्केट ओपन हुआ, ये रेजिस्टेंस पे गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट रेजिस्टेंस इसको टच करके फिर नीचे आया, फिर इसको टच करके फिर नीचे आता है, इसको डायरेक्ट ब्रेक करता है, तो आपको गलती से एंट्री नहीं लेना चाहिए। लेकिन इसके बीच का गैप ऑलमोस्ट 250 या 300 रहेगा तो गलती से एंट्री ना लीजिए, नहीं तो आप इस ट्रैप में फंस सकते हैं और आपका लॉस हो सकता है ये। लेकिन इस कम से कम इसका 300 गैप होना चाहिए, 300 अगर रहेगा तो आप गलती से भी इंटरेस्ट नहीं, इसमें एंट्री नहीं लीजिएगा। उसी प्रकार आपको यहाँ पे अलेमाल जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ये सपोर्ट को टच कर रहा है, फिर ऊपर में ये रेजिस्टेंस को टच कर रहा है, ये सपोर्ट को टच कर रहा है, फिर रेजिस्टेंस को यहाँ पर जाके फिर इसको ब्रेक कर रहा है, तो आप गलती से एंट्री यहाँ पर नहीं लीजिएगा, नहीं तो आप ट्रैप में फंस सकते हैं और आपका लॉस हो सकता है। तो कम से कम इसका बीच का गैप अराउंड 250-300 रहेगा तो एंट्री मत लीजिएगा, नहीं तो आप लॉस हो सकता है आपको। तो ये बहुत ऐसे लोग को 95% लोग ऐसे ही करते, हॉरिजॉन्टल और रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जब भी ब्रेक करता है तो एंट्री ले लेता है जिसकी वजह से उनको लॉस हो जाता है। तो ऐसे क्या करें जिससे लॉस नहीं होगा, ऐसे कैसे करेंगे जिससे हमको लॉस नहीं होगा, तो चलिए मैं आपको वो सिंपल और आसान तरीका से बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको लॉस नहीं होगा 10 में से आपको 8 ट्रेड, देखिए यहाँ पे लॉस यहाँ पे भी होगा लेकिन 10 में से 8 ट्रेड आपका प्रॉफिट होगा, बस 2 ट्रेड आपका लॉस हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये रेजिस्टेंस को टच किया, फिर नीचे आया, फिर ये रेजिस्टेंस को टच करके फिर नीचे आया, फिर इस रेजिस्टेंस को टच करके यहाँ पे कंसोल कर रहा है 20 से 25 मिनट या आधा घंटा कंसोल करके उसको ब्रेक करता है, तो आप एंट्री लीजिए। कम से कम इस बीच का गैप 250-300 रहेगा तो चलेगा, इसको कम से कम 20 से 25 मिनट यहाँ पर टाइम लेना चाहिए, अगर तब इसको ब्रेक करता है तो आप एंट्री लीजिए। जस्ट इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट इसके बीच में आप दे सकते हैं और ट्रेल भी कर सकते हैं, टारगेट मार्केट पर छोड़ दीजिए, जितना आपको देगा मार्केट ही देगा। ये आपका फर्स्ट, ऐसे करेंगे तो आपका लॉस ज्यादातर आपका ये रेजिस्टेंस ब्रेक फेल नहीं होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, लॉस होने का संभावना 10% हो सकता है, ऐसा ना कि बराबर होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं आपको लैब बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ। अगेन फिर आपको एक चीज और बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए मार्केट 300 पॉइंट नीचे गैप डाउन हुआ, ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, फिर इसको अगेन ब्रेक कर दिया लेकिन नीचे आके यहाँ पे टच करके अगर ऊपर जा रहा है तो फिर आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, आपका टारगेट वो मार्केट पर छोड़ दीजिए, मार्केट जो टारगेट देगा वो ले लीजिए खुशी खुशी, अगर 300 पॉइंट इस बीच में गैप रहेगा तो आपका लॉस ऐसे ब्रेक करता है तो ऐसे लेंगे तो आपका लॉस नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। फिर दूसरा और तरीका मैं बताऊंगा जिससे आप करते हैं फेक ब्रोकर से बचने का तरीका, और मान लीजिए मार्केट यहाँ पे ओपन होता है इसी बीच में और 100 पॉइंट का गैप रहता है, यहाँ पे टच करता है फिर नीचे आता है, टच करता है नीचे आता है, 100 पॉइंट अगर ब्रेक करता है तो आप एंट्री ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 100 पॉइंट है, क्योंकि आपको भी पता है बैंक निफ्टी पर डे अराउंड 250 या 300 को रेगुलर ट्रेड करता है, किसी दिन 600-1000 होता है, तो अगर 100 के नीचे रहता है और जिस साइड भी ब्रेक करता है कम से कम 2 से ज्यादा होना चाहिए, और जिस साइड भी ब्रेक करता है तो आप एंट्री ले सकते हैं और टारगेट मार्केट पर छोड़ दीजिए।
उसी प्रकार नीचे में भी आप क्या कीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, नीचे में भी उसी प्रकार अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे टच करके उसको ब्रेक कर रहा है, अगर 100 पॉइंट के बीच में गैप है तो ब्रेक कर रहा है तो आप एंट्री ले सकते हैं। जस्ट इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाना, गलती से ना भूले, जस्ट इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट मार्केट पे आप छोड़ सकते हैं। किसी दिन मार्केट आपको छोटा प्रॉफिट देगा, किसी दिन इतना प्रॉफिट देगा कि आपको 6 महीना का प्रॉफिट एक ही महीना में, एक ही दिन में निकल जाएगा। दूसरा तरीका और एक और है जो आपका लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट होने का ज्यादा संभावना है। जैसे मार्केट मान लीजिए यहाँ पे ओपन हुआ, रेजिस्टेंस को इसको टच करके मार्केट ऊपर हुआ, फिर इसको टच करके नीचे हो रहा, फिर इसको टच करके मार्केट यहाँ पे कंसोल कर रहा है कम से कम 20 से 25 मिनट। 20 से 25 मिनट जिस साइड भी ब्रेक किया, या तो इस साइड ब्रेक करे या इस साइड ब्रेक करे, तो आपको एंट्री लेना, आपको फर्स्ट टारगेट ये मिलेगा, दूसरा टारगेट ये मिलेगा, जस्ट इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो इस टाइप का आप एंट्री लेते हैं तो इसमें आपका लॉस मतलब ना के बराबर होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। ये आप गलती ऐसे करते हैं तो आपका लॉस बहुत ही कम ना के बराबर होगा। उसी प्रकार नीचे में भी सपोर्ट में भी आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, अगर मार्केट मान लीजिए नीचे ओपन हुआ, उसमें टच करके यहाँ पे टच किया, यहाँ पे कंसोल कर रहा है, कंसोल करके ब्रेक कर रहा है या उसको ब्रेक कर रहा है, किसी भी साइड, इस दोनों में से किसी भी साइड ब्रेक कर रहा है, तो आप एंट्री लीजिए, टारगेट मार्केट पर छोड़ दीजिए। हाँ, यहाँ पे है कि बीच में ओपन किया तो थोड़ा प्रॉफिट होगा, लेकिन लॉस मेरे हिसाब से नहीं होगा। इसका पॉइंट ये और 250-300 पॉइंट डिस्टेंस भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों ये ऐसे आप ट्रेड लेंगे तो आपका लॉस संभावना बहुत कम है लॉस होने का, प्रॉफिट होने का बहुत ही ज्यादा संभावना। आप 10 ट्रेड करेंगे तो आपका 8 ट्रेड प्रॉफिट होगा ही होगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप कैसे यहाँ पे चार्ट में रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बताता हूँ, रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको 15 मिनट का चार्ट रहना चाहिए जो बेस्ट रहता है, जिससे आपको इजीली रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे 3 बार क्लिक कीजिए, 1, 2, 3 बार, आप 4 बार भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 3 बार 4 बार करेंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है। चलिए आपको मैं इजीली और बहुत आसान तरीका से बताऊंगा ड्रॉ करने के लिए, जिससे आप इजीली कर सकते हैं। दोस्तों मैं एक चीज मैं आपको यहाँ बताता हूँ, आई गौर कीजिएगा, इसके ऊपर जो भी है, मान लीजिए ये फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, इसके ऊपर जो भी है, जैसे ये हो गया तो ये इसका रेजिस्टेंस हो गया, इसके ऊपर जो भी है तो इसका रेजिस्टेंस ये हो गया, ये हो गया, इसके नीचे जो भी है, इसके नीचे जो भी रहेगा वो रेजिस्टेंस रहेगा। जैसे इसके नीचे ये है, सॉरी सपोर्ट है, इसके नीचे जो भी रहेगा तो सपोर्ट रहेगा। जैसे इसका नीचे ये है तो ये सपोर्ट हुआ, इसके नीचे आप कौन सा आता है, ये आता है, इसके नीचे अगला सपोर्ट ये हो गया, इसके नीचे नेक्स्ट कौन आता है, ये आता है, तो इसका सपोर्ट ये होगा, और इसके नीचे कौन आता है, इसका सपोर्ट ये हो गया। तो दोस्तों इस ऊपर में, इसके ऊपर आप कौन सा आता है, इसके ऊपर आप नेक्स्ट कौन सा आता है, ये आता है, तो इसका सपोर्ट दोस्तों ये रहा, सॉरी सपोर्ट बोल रहे कि रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस ये रहा, और इसके ऊपर और कौन सा है, तो इसके ऊपर ये है, तो इसका एक रेजिस्टेंस ये है, और इसके ऊपर एक ये है, तो इसका रेजिस्टेंस ये है। तो इससे इजीली आप, मतलब मैं आपको ये समझा रहा हूँ या समझिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये मार्केट है, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट, जैसे फिर मैं बताता हूँ जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं हो, ये मान लीजिए ये इसका सपोर्ट, और ये इसका सपोर्ट हो गया, और ये हो गया रेजिस्टेंस, और इसके ऊपर जो भी वीक है, वीक आप देखते हैं, जैसे वीक ये आएगा तो उसका रेजिस्टेंस होगा, दूसरा वीक ये है तो इसका रेजिस्टेंस ये हो गया, तीसरा वीक कौन सा है, ये है तो इसका रेजिस्टेंस ये हो गया, अगला वीक कौन सा आता है, जो कम से कम दो या दो बार टकराना हो जाए, ये है तो रेजिस्टेंस ये हो गया, अगला नेक्स्ट वीक ये है तो ये हो गया। तो मैं आपको, आप इजीली ड्रॉ करके बताता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो आप यहाँ पे हम रेजिस्टेंस आप सपोर्ट लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, उसका सेटिंग कैसे करेंगे, बहुत इजीली और आसान तरीका से मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कीजिए, तो इसका फर्स्ट सपोर्ट ये हो गया, इसको टच कर दीजिए 15 मिनट कैंडल में, ये सपोर्ट हो गया, इसका ये ऊपर में, इसका नीचे वाला सपोर्ट एक ये हो गया,
इसके नीचे कौन सा आता है दोस्तों, ये आता है, तो इसका नीचे ये हो गया सपोर्ट। अब इसके नीचे कौन सा सपोर्ट नीचे आता है, वीक, ये आता है, तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा हो गया दोस्तों, ये हो गया, ये हो गया, ये वाला। अब इसके नीचे कौन सा आता है, तो दोस्तों इसके नीचे एक ये भी ये आता है, ये वाला, ये आता है, तो अगला सपोर्ट ये हो गया। और इसके नीचे कौन सा आता है दोस्तों, इसके नीचे एक ये हो गया, ये हो गया, तो अगला सपोर्ट ये हो गया। तो ऐसे कर करके आप, इसके नीचे कौन सा आता है, इसके नीचे ये आता है, और इसके नीचे कौन सा आता है, ऐसे आपको सपोर्ट लाइन ड्रॉ करना है। ऊपर की तरफ आप क्या करना है, ऊपर की तरफ भी हम आपको बताएंगे, इसमें आपको लैब भी बताऊंगा कि कैसे यहाँ से मार्केट ऊपर है। ऊपर की तरफ इसका फर्स्ट, इसको ऊपर कौन सा है, तो ये है, तो ये इसका एक फर्स्ट रेजिस्टेंस ये हो गया। इसके ऊपर आप कौन सा है दूसरा, दूसरा ये है, तो दूसरा रेजिस्टेंस इसका ये हो गया, ये हो गया। अब इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा है दोस्तों, ये वाला हो गया, ये छोटा सा है। और अगेन आप उसको पीछे कीजिए, अब इसका यहाँ पे आप इसको यहाँ कीजिए, यहाँ पे इसके ऊपर कौन सा आता है, इसके ऊपर कौन सा आता है, इसके ऊपर होता है, इसको आप एक काम कर सकते हैं, इसको वाला, सॉरी हाँ, इसको हम डिलीट करते हैं, इसको हम हटा देते हैं, ये हो गया। इसके ऊपर आप कौन सा आता है दोस्तों, इसके ऊपर एक ये आता है, सॉरी हॉरिजॉन्टल ये, इसके ऊपर एक ये आता है दोस्तों, इसका ऊपर एक ये आता है, ये इसका एक रेजिस्टेंस हो गया। अब इसके ऊपर और कौन सा आता है, तो दोस्तों इसके ऊपर एक ये आता है, ये वाला वीक, ये वीक देखते होंगे, इस वीक ये वाला, तो ये आता है, ये इसका ऊपर और कौन सा आता है, ये वाला, ये वाला। दोस्तों ये हो गया रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन ड्रॉ हो गया, सिंपल। मैं ऐसे ही ट्रेड करता हूँ बस। दोस्तों क्या कीजिए, ऐसे कीजिए, उसको 5 मिनट में आके इसको और मिला भी सकते हैं। और ट्रेड कब लेना है, एनालिसिस सपोर्ट लाइन और ड्रॉ लाइन आपको 15 मिनट में करना है, और 5 मिनट में आपको एंट्री एग्जिट लेना है। अब यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका जबरदस्त सपोर्ट लाइन, ऐसे ही मैं ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे इसको हम थोड़ा ये कर देते हैं, नीचे इसके नीचे बहुत नीचे हम ड्रॉ नहीं किए थे, ये है, हाँ कर दिए। चलिए ये इसका देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गया। आपको मैं बताऊंगा कहाँ मैं एंट्री और एग्जिट लूंगा। ये इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया, ये का। अगर मार्केट इस बीच में कंसोल होता है, कंसोल होने के बाद ब्रेक करता है, तो मैं, मेरा फर्स्ट टारगेट ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा। अगर बीच में ओपन होता है, उसको कंसोल होकर नीचे आया, तो मेरा फर्स्ट टारगेट, अब नीचे में भी हम दिखा देते, इसके भी नीचे होगा, इसके नीचे भी मैं आपको वीक दिखा देता हूँ। मैं 30 मिनट में दिखाता हूँ, जिससे इजीली मिल जाए। इससे नीचे आप कौन सा है, यहाँ पर आप वीक निकालिए, पीछे जाइए, आपको मिल जाएगा। हाँ, इसके नीचे कौन सा आता है, इसके नीचे, इसके नीचे एक वीक, ये सपोर्ट, ये मिला, मेरा अगला सपोर्ट ये है, तो आप उसको हम कर देते हैं 15 मिनट, 5 मिनट में कर देते हैं, उसको हम कर देते हैं ये। दोस्तों अगर मार्केट, अगर मार्केट थोड़ा ऊपर कर देते, इस बीच में ओपन हुआ, कंसोल करके इसको ब्रेक करता है, मेरा फर्स्ट टारगेट ये होगा, दूसरा हम और भी ड्रॉ कर सकते हैं, नीचे मैं आपको वीक में बता दिया, लेकिन अगर उसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाता है, मेरा फर्स्ट टारगेट ये मिलेगा, दूसरा ये मिलेगा, तीसरा ये मिलेगा, चौथा ये भी मिला, ऊपर मैं आपको ज्यादा बोला, तो मैं ऐसे ही ड्रॉ करता हूँ। आप सब जितना भी प्रो ट्रेडर है, जो आजकल जो भी ट्रेडिंग करता है, सब ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते, इसलिए सिंपली तरीका से मैं ड्रॉ करता हूँ। तो आप भी इजीली और बहुत आसान तरीका से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कल के लिए एनालिसिस करना है, तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, मैं आपको बता सकता हूँ। रिमूव कर दिया, मैं पहले
वन डे के कैंडल देखता हूँ, आपको भी पता है वन डे के कैंडल में देखने के बाद, तो नेट स्लो चल रहा है अभी। देखिए आपको वन डे के कैंडल में भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत इजीली से समझ में आ जाएगा। देखिए मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, थोड़ा आपको मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, यहाँ पे और ऊपर गया, इसके बाद नीचे ठीक इसके ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया। देखिए इसका सपोर्ट है, आप खुद ध्यान दीजिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे। ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट था इसलिए मार्केट इसको टच करके ऊपर गया, नहीं तो अगर उसको ब्रेक करता तो मार्केट और भी नीचे जा सकता था और इसका टारगेट नेक्स्ट ये भी होता। ऐसे मैं ड्रॉ करता हूँ कल के लिए, अगर कल इसको ब्रेक करता है तो मार्केट बहुत ही अच्छा मूवमेंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कंसोल करके इसको ब्रेक किया तो मार्केट कितना बूम किया है, तो इसका सपोर्ट है ये, इसको सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके ऊपर गया है। यहाँ सपोर्ट को नहीं तो उसको भी ब्रेक करता था मार्केट और भी मूवमेंट करता, तो ये है गया। और फिर अब मैं कल के लिए एनालिसिस करता हूँ बहुत इजीली और आसान तरीका मैं आपके सामने में करूंगा, जिससे आपको समझने में दिक्कत ना होगा। थोड़ा नेट मेरा दोस्तों स्लो है, चलिए उसको हम ऐसे करते हैं, उसको हम 15 मिनट पे ला लिए, 15 मिनट पे लाने के बाद थोड़ा उसको हम पीछे करते हैं, पीछे करने के बाद उसको हम ड्रॉ अप करते हैं कल के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल 27 तारीख को मुझे कहाँ एंट्री और बाई करना है, वो हम आपको ड्रॉ करके बताते हैं। सेम आप भी सीखते, बहुत आसान और इजीली तरीका है यार, इससे इजीली तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। नेक्स्ट मेरा सपोर्ट ये होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट कंसोल हुआ, आज मार्केट तो डायरेक्ट ही गिरा, आज तो मार्केट को तो जवाब ही नहीं है। अगर मार्केट ऊपर जाए तो मेरा सपोर्ट ये है, दूसरा मेरा ये रहेगा कौन सा, ये वाला दूसरा मेरा टारगेट ये ऊपर का रहेगा। बहुत इजीली तरीका से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, 2 से 3 मिनट लगता है मेरा करने में। अगला मेरा टारगेट ये रहेगा ऊपर की तरह, सॉरी ये ऊपर के मेरा ये नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा, और नीचे में नीचे का हम उसको क्या करते हैं पीछे करते हैं, इसके नीचे आप कौन सा आता है तो हम आपको बताते हैं। अगला मेरा इसका नेक्स्ट सपोर्ट मेरा नीचे ये होगा, इसके नीचे और उसका भी नीचे कौन सा आता है दोस्तों, ये होता ये है। तो दोस्तों ये हो गया मेरा कल का मार्केट एनालिसिस तैयार, अब उसको हम कर देते हैं 5 मिनट। 5 मिनट में कहाँ बाई और सेल करने में आपको पहले ही बचा चुका हूँ, और मैं यहाँ पे कभी कभी आप मान लीजिए कभी कभी इसमें ऊपर नीचा हो जाता है तो मैं यहाँ पे लेवल भी मिला लेता हूँ। इस बीच में अगर इस बीच को उसको ब्रेक करेगा तभी मैं एंट्री लूंगा, नहीं तो मैं नहीं लूंगा। तो दोस्तों ऐसे में एनालिसिस करता हूँ सिंपली और आसान तरीका में, आप भी कर सकते हो। इसका रिजल्ट 80% आपको प्रॉफिट देगा, 80% मतलब आप 10 ट्रेड करेंगे तो आपको 2 ही ट्रेड लॉस होने का संभावना होगा और 8 ट्रेड आपका प्रॉफिट ही होगा, और अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। आजकल भी मैं आपको एनालिसिस करके ऐसे ही बताया था तो आपको ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट दिया, मेरा 2500 का प्रीमियम था जो 1250 तक गया, तो सोचो मेरा 6 महीना का इनकम एक ही दिन में प्रॉफिट हो गया। मतलब आप 6 महीना आपको लगातार लॉस होता था, आज ही आज एंट्री लिए थे तो आपको 6 महीना का लॉस एक ही दिन में रिकवर हो जाता। तो दोस्तों मैं ऐसे ही करता हूँ बहुत इजीली और आसान तरीका से, आपको बताया सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करेंगे। और अब मैं गारंटी लेता हूँ कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसको 2 या 3 बार 4 बार इजिली देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको दूसरा वीडियो देखने का जरूरत पड़ेगा। कभी कभी आपको मैं ये बोलूंगा आप जैसे आपको अच्छे से तो उसको सेटिंग आप कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पे थोड़ा अफ्तर ऊपर नीचे हुआ तो उसको सेटिंग कर लीजिएगा, हाँ ऐसे ऐसे मिला लीजिएगा। इससे अलावा मैं कुछ नहीं करता हूँ, और मैं नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो मैं लाऊंगा मूवी एवरेज का। देखिए मूवी एवरेज भी देखिए यहीं पे आता है 200 पॉइंट का, इस सपोर्ट वो भी बताता है, जैसे मैं ड्रॉ किया हूँ तो ये भी 200 पॉइंट का इसका सपोर्ट हो रहा है। ये मूवी ईएमए के सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छा काम करता है, मतलब 100 में से 80% वो काम करता है। तो ऐसे देखिए आपके सामने में वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के सामने में, जैसे मैं देख के नहीं बताया था, मैं ऐसे ड्रॉ किया था, देखिए यहीं पे वो डायरेक्ट आ रहा है। तो बहुत इजीली और आसान तरीका से आप भी ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा मैं ट्रेंड लाइन में कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ, और एक हो गया
ये मैं मूवी एवरेज का मैं कैसे सपोर्ट और एक्सटेंड ड्रॉ करता हूँ ये भी वीडियो में लाने वाला हूँ। एक और एक दूसरा है पिवट पॉइंट का, जो मेरा बहुत अच्छा काम करता है, वो भी मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ। अगर आप उन लोगों का भी वीडियो आप चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर लेके आऊंगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा जरूर लाइक एंड कमेंट करें, और वो भाई लोग को शेयर कीजिए जो कुछ ट्रेडर बनना चाहे और लाइफ में ट्रेडर बनना चाहते हैं, क्योंकि इतना इजीली और आसान तरीका से कोई समझा नहीं सकता। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर दोस्तों।